अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम मिक्सचर्स की सेपरेशन को डिस्कस करेंगे कि हम मिक्सचर्स को किस तरीके से अलग-अलग कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट किस तरीके से कर सकते हैं। तो मिक्सचर्स की जैसे कि पहले बात हो चुकी है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक नॉन फिक्स्ड रेशियो के अंदर एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक मिक्सचर बना देते हैं। तो मिक्सचर्स को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट फिज़िकल मेथड से और डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर्स से। तो आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ मेथड्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन, जैसे आपको नाम से जाहिर है कि फ़िल्टर पेपर की मदद से हम दोनों को अलहदा कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने घर के अंदर फ़िल्टर्स देखे होंगे, उसके अंदर क्या क्या होता है कि बाहर से जो पानी आ रहा है उसको उन फ़िल्टर्स के से जो है पास किया जाता है। तो जितने भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं उस मिक्सचर के अंदर, उस वाटर के मिक्सचर के अंदर, वो फ़िल्टर पेपर के साथ लग जाते हैं या उन फ़िल्टर्स के अंदर रह जाते हैं। बाकी जो साफ़ पानी होता है जो उससे सेपरेट कर लिया जाता है, वो आगे घर के अंदर बाकी आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो याद इसके आप दूसरी एग्जांपल देख सकते हैं कि चाय बनाने के बाद जो है सीव से या पूनी की मदद से आप चाय की पत्ती को, चाय को अलहदा अलहदा कर लेते हैं, वो भी इस फिल्ट्रेशन की ही एक एग्जांपल है। इसी तरीके से बाकी भी डिफरेंट जगहों पे आप फिल्ट्रेशन के मेथड देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे कि एक्टिविटी के अंदर शो किया जा रहा है कि हम लोगों ने एक फ़िल्टर पेपर लेना है, उसको फोल्ड कर लेना है ताकि हम उसको एक जो है फ़नल के अंदर हम उसको रख सकें। अब उस फ़नल के अंदर उसको हम प्लेस कर देंगे, रख देंगे, और उसके बाद क्या है कि आपने कोई भी मिक्सचर है, जैसे कि मडी वाटर है, एक पानी के अंदर मिट्टी मिक्स हुई हुई है, उसको आपने उस फ़नल के ऊपर या उस कीव के ऊपर आपने पोर करना है जिसके अंदर आपने फ़िल्टर पेपर रखा हुआ है। अब जब उसके ऊपर आप डालेंगे तो जो आपकी मड है या जो इम्प्योरिटी है वो सारी फ़िल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी और बाकी जो सा आपका वाटर है वो नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरीके से अगला जो सा प्रोसेस है वो है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है कि इस प्रोसेस के अंदर जब आप किसी सॉलिड को हीटअप करते हैं या उसको आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो बजाय कि लिक्विड के अंदर पहले जाए, वो डायरेक्टली वेपर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब किसी भी सॉलिड की ये खासियत होती है कि जब उसको हीट किया जाता है तो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो जो सा वो गैशियस स्टेट के अंदर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आइस को देखते हैं तो आइस पहले वाटर के अंदर कन्वर्ट होती है, उसके बाद वेपर्स में। पर सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, वो उससे उल्टा है, उसके अंदर डायरेक्ट सॉलिड जो सा वो गैशियस स्टेट के अंदर चला जाता है। और इसी तरीके से हम जो सा दो हम एक मिक्सचर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिक्सचर है, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, और ये तब होगा जब उन दोनों कंपोनेंट्स के अंदर एक की जो है सब लाइन प्रॉपर्टी हो कि उसकी वो प्रॉपर्टी हो कि वो डायरेक्टली वेपर के अंदर वो कन्वर्ट हो सके। तो कुछ हमारे मटेरियल्स हैं या एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया जिसे आप नुशादर बोलते हैं, कम्फूर हो गया जिसे आप कफूर बोलते हैं, आप नेफ्थलीन हो गया, ये सारे जो से आपके कंपाउंड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये सब्लाइम कर सकते हैं कि हीटिंग की वजह से डायरेक्टली ये वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसके आप एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि अगर आप कुछ नेफ्थलीन की बॉल्स या जिन्हें आप फिनाइल की गोलियां कहते हैं, आप उनको अपने कपड़ों वाली कपबोर्ड के अंदर रखते हैं, तो कुछ दिनों बाद या जो है कुछ महीनों बाद आप देखते हैं तो वो बॉल्स आपको वो नज़र नहीं आती, क्योंकि वो बॉल्स जो सी होती हैं वो उनकी प्रॉपर्टी है कि वो सब्लाइम कर जाती हैं, कि वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। अब इसकी जो है इसके प्रूफ के लिए अगर आप उसके अंदर टेम्परेचर को कम कर दें तो वापस वो जो सी बॉल्स हैं वो सॉलिडिफाई हो जाती हैं, क्योंकि ये एक गैस की प्रॉपर्टी है कि जब उसको कम टेम्परेचर मिलता है तो वो सॉलिडिफाई या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है।
तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, सब्लिमेशन के थ्रू हम दो मटेरियल्स को या मिक्सचर्स के दो कंपोनेंट्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। एक की प्रॉपर्टी सबलाइम वाली होगी, देन वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा वो वहीं पे रह जाएगा। अब फॉर एग्जांपल नीचे एक्टिविटी के अंदर आपको इन्होंने शो किया हुआ है कि आपने क्या करना है, एक चाइना डिश लेनी है, उसके अंदर आपने क्या किया कि आपने मिक्सचर डाल दिया, आपने मिक्सचर डाल दिया जिसके अंदर एक सब्लाइम वाला आपका सॉलिड है और एक दूसरा सॉलिड था मिक्सचर के अंदर। उसकी वजह से क्या होगा कि आपने जब उसको यहाँ नीचे से हीट अप्लाई करेंगे तो उस हीट की वजह से क्या होगा कि जोन सा आपने मिक्सचर वो सा वो चाइना डिश के अंदर रखा होगा, वो क्या होगा कि उस हीटिंग की वजह से उसके अंदर जो सा आपका सबलाइम वाला पोर्शन होगा, जिसके अंदर जैसे कि अमोनियम क्लोराइड आपने एक डाला हुआ था, और अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा कि वो वहाँ से जो सा वो अवेपोरेट कर देगा, और आप कुछ देर बाद देखेंगे कि आपकी ये जो सी ऊपर फनल लगी हुई है, फनल की वॉल्स के साथ आपको वाइट कलर के जो सा पाउडर वो आपको नज़र आने लग जाएगा। अब वो वाइट कलर का जो सा पाउडर है वो आपका अमोनियम क्लोराइड था, जो कि अंदर से आपका वेपर्स की फॉर्म में वो बाहर निकल आया। अब इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं कि सब्लिमेशन के ज़रिए आप दो मटेरियल्स को एक मिक्सचर के अंदर से सेपरेट कर सकते हैं। तो सब्लिमेशन सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब उसके अंदर मिक्सचर के अंदर एक सबलाइम सॉलिड होगा, और तब वो जो सा हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।